आपने कभी दूधी घास के बारे में सुना है? जी हाँ, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। दरअसल दूधी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक छोटी और एक बड़ी दूधी, दुग्धिका और सीता के नाम से भी इनको जाना जाता है। हम अक्सर इसे साधारण घास समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन यह औषधि गुणों से भरपूर होती है। दूधी घास को आयुर्वेद में कई रोगों को दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। दरअसल दूधी घास एक तरह की घास होती है जो कि खरपतवार टाइप की होती है, कहीं भी आसानी से खेतों में या बाग बगीचों में आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। दरअसल दूधी घास को तोड़ने पर इसके पौधे से दूध निकलता है, इसलिए इसे दूधी घास के नाम से जाना जाता है। दो प्रकार की दूधी होती है, एक छोटे पत्ते वाली और एक बड़े पत्ते वाली। जो छोटे पत्ते वाली होती है उसका पूरा पौधा जो होता है वो लाल रंग का होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, और जो बड़े पत्ते वाली दूधी होती है वो कहीं कहीं पर लाल रंग की होती है तो कहीं कहीं पर हरे रंग की होती है। जमीन की यानी कि भूमि के हिसाब से यह पौधा होता है, लेकिन दोनों के गुणों में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं होता, कोई भी फर्क नहीं होता। आयुर्वेद में दोनों को चमत्कारिक औषधि ही माना जाता है। दूधी घास की पहचान करना बेहद ही आसान है, इसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है, तोड़ने पर इसके पत्तों से दूध निकलता है, तो आप वीडियो के माध्यम से भी इसकी पहचान कर सकते हैं कि आखिर में दूधी किस प्रकार की दिखती है। दूधी घास को आयुर्वेद में औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है, इसके सेवन से कई रोगों को आसानी से दूर किया जा सकता है। यह बालों और त्वचा के लिए चमत्कारिक औषधि से कम नहीं माना जाता। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके कुछ अनुभूत प्रयोगों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा के ऑन कर दीजिए। साइड में जो घंटे का बटन दिख रहा है इसको भी दबा करके आप ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो आसानी से मिलते रहेंगे और आप इन वीडियो को जल्दी देख पाएंगे, सबसे पहले देख पाएंगे। आजकल देश में जो है अस्थमा के मरीजों की संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अस्थमा में सांस लेने संबंधित समस्याएं होने लगती है। अस्थमा के मरीजों को अक्सर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, इसके लिए दूधी जो घास होती है ये बहुत ही लाभकारी होती है। जिन लोगों को अस्थमा का दौरा बार बार आता है वो लोग अक्सर कर दूधी घास का काढ़ा बना करके पी लें तो उन्हें अस्थमा से बहुत जल्दी निजात मिल जाती है। बदलते मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है, जिससे खांसी जुखाम की समस्या से आपको दो चार होना पड़ जाता है। ऐसे में दूधी घास का सेवन करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके लिए आप 2 कप पानी में 1 चम्मच दूधी घास का चूर्ण मिला लें और उसको उबाल लें, और जब उसका काढ़ा बन करके तैयार हो जाए तो इसको छान करके आप पी लें। आप इसे रोजाना सुबह शाम भी पी सकते हैं। यह आपकी शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना बढ़ा देगी कि ये नॉर्मल सर्दी खांसी जुखाम और बुखार जो होगा ना मौसम परिवर्तन के कारण जो होता है वो नहीं होगी, और जिन लोगों को परमानेंटली सर्दी खांसी जुखाम होती है वो भी ठीक हो जाती है। आजकल अधिकतर लड़कियाँ और महिलाएँ अपने बाल झड़ने की समस्याओं से परेशान रहती हैं, इसके लिए दूधी घास का रस जो होता है वो वरदान साबित हुआ है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इस स्थिति में आप दूधी घास का रस निकाल लें और इसमें चाहें तो कुछ कनेर के पत्तों को भी सावधानी पूर्वक पीस करके मिला लें और अब इसे अपने बालों पर लगाएं। इस दौरान अपने बालों को लगाते समय आँखों को बचा करके रखना है। 15 से 20 मिनट तक अपने बालों को अच्छी तरीके से धो लेना है, इसके लगाने के बाद बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, साथ में आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। डायबिटीज के रोगियों के लिए भी दूधी घास जो होती काफ़ी लाभकारी माना गया है। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। इसका सेवन आप डॉक्टर की सलाह पर कर सकते हैं। दूधी घास के काढ़े का सेवन करने से डायबिटीज के रोगियों को काफ़ी लाभ मिलता है। यह एक अनुभूत प्रयोग में आपको बतला रहा हूँ, काफ़ी सारे लोगों ने इस्तेमाल किया, डायबिटीज उनका कंट्रोल में रहता है। त्वचा संबंधित रोगों के लिए भी दूधी बहुत ही लाभकारी है। जिन लोगों के चेहरे में कील मुहासे और खुजली की समस्या रहती है, रैसेस हो जाते हैं, वो लोग इसकी चटनी बना करके अगर अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो उनके चेहरे से कील मुहासे तुरंत ही ठीक होने लग जाते हैं और आपका चेहरा जो होता है वो धीरे धीरे बेदाग हो जाता है। ये झाइयों पर भी काम करता है, डार्क स्पॉट जो पड़ जाते हैं उन पर भी काम करता है, और यह जो बढ़ती उम्र के साथ में जो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लग जाती ना, उन झुर्रियों को भी यह धीरे धीरे ठीक करने का कार्य यह पौधा करता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
महिलाओं में होने वाली लुकोरिया की समस्या को भी ये ठीक कर देता है। लुकोरिया यानी कि काफ़ी सारी महिलाओं में सफ़ेद पानी जाने की समस्या रहती है, जिसकी वजह से उनके शरीर में कमजोरी आने लग जाती है। दूधी घास का काढ़ा, इसमें थोड़ी सी मात्रा में काली मिर्च का पाउडर मिला करके सेवन करने से यह सफ़ेद पानी जाने की समस्याओं को ठीक कर देता है। इतनी चमत्कारी की औषधि मानी गई, खासकर महिलाओं के लिए तो यह वरदान से कम नहीं होती। खासकर महावारी के समय जब माताओं और बहनों को महावारी की शिकायत रहती है तो उस बीच उनको काफ़ी ज़्यादा ब्लडिंग होती है। इसका काढ़ा बना करके आप पीजिए, ब्लडिंग भी कम होगी और आपका शरीर जो होगा वो टूटेगा नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि यह जो दूधी होती है, बड़ी दूधी हो चाहे छोटी दूधी हो, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी लाभकारी होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे और भी आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए आयुर्वेदिक पौधे और उसके उपचार के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हर हर महादेव।